अकेले व्यक्ति को कमजोर समझा जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अकेला चलने में विश्वास रखता है। अकेला चलने का साहस वे व्यक्ति रखते हैं जो जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से डरते नहीं हैं। ज्यादातर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कुछ नया नहीं कर पाते, और जब भी आप कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करते हैं तब आप अपने आप को अकेला पाते हैं। अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कुछ लोग अकेलापन दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अपना अकेलापन कमजोरी लगता है, लेकिन जो लोग अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं वो इस अकेलेपन की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वे अकेलेपन की ताकत को समझ जाते हैं। लोग कहां तुझको टोकें, भीड़ कहां तुझको रोके, जीत के पथ पर कर तू प्रस्थान, अकेलेपन का बल पहचान। आजकल लोग अकेलेपन को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, जबकि वास्तव में हर व्यक्ति अकेला ही होता है। जन्म अकेले होता है, मृत्यु को गले भी अकेले ही लगाना पड़ता है। जब इतने बड़े बड़े काम व्यक्ति अकेले कर सकता है तो इन छोटे छोटे दुखों और समस्याओं का अकेला सामना करने में कैसा घबराना। ये अकेलापन इंसान को ऐसी ताकत दे सकता है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। अकेलापन परेशानी नहीं बल्कि वरदान है, अगर आपको उसकी सही पहचान है। जो चलता है अकेला वही बलवान है, भीड़ में तो चलते हजारों इंसान हैं। अकेले अपने पथ पर चलने वालों का दुनिया मजाक बनाती है, लेकिन उनकी बातों से घबराकर अपना रास्ता वो लोग नहीं बदलते जो अपने पथ को लेकर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। जो व्यक्ति दुनिया के मजाक, तानों और व्यंग्य की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। दोस्तों, अकेलेपन में आप अपने मस्तिष्क का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा और नया सोच सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं कोई आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं डाल सकता और न ही आपको डीमोटिवेट कर सकता है। जो लोग दोस्तों के झुंड में रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, अकेलेपन से भागते हैं, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि भीड़ में घुसे रहने वाले कभी अपने बारे में कुछ नया और अच्छा सोच ही नहीं सकते। उन्हें इसका समय ही नहीं मिलता, भीड़ उन्हें कभी कुछ अलग करने ही नहीं देती, यहाँ तक कि कुछ अलग सोचने तक नहीं देती। जब आप अकेले होते हैं तो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि कैसे आप अपने भविष्य को और मजबूत और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपका वास्तविक फायदा होता है। अकेले में रहकर आप चिंता और दबाव से मुक्त हो जाते हैं, कोई फिक्र नहीं रहती, सारी चीजें आप अपने हिसाब से करते हैं, सारा नियंत्रण आपके हाथों में रहता है, और न ही आपको इस बात की चिंता रहती कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा और क्या बोलेगा। रिश्तों की कद्र कीजिए, पर एकांत में खुद को समय जरूर दीजिए, यही इस वीडियो का सार है। आशा करता हूँ मैं आपको जो समझाना चाहता था आप वो बात समझ गए होंगे।